नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज यही है कि काफ़ी क्वेश्चन फसल को लेकर आते हैं कि रबी की फसल कौन सी है, जायद फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है, या मिलेट किसे कहा जाता है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रबी की जो फसल होती है, इसको जब उगाया जाता है तो कम तापमान की ज़रूरत होती है इसको, और पकते समय उच्च तापमान और शुष्क मौसम जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी की फसल उगाई जाती है। दोस्तों, चलो दोस्तों ट्रिक को याद करते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है? तो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, देखना दोस्तों, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। जो रबी है, यहाँ पर रबी की फसल को याद कर सकते हैं ऐसे, रबी रबी को डिनोट करता है, के आरजू के सच्चे गम में डूबा, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो आरजू आ से आलू, रे से राई, जैसे जो, के यहाँ पर साइलेंट है, आरजू के सच्चे से सरसों, और जैसे चना, चना सच्चे गम में डूबा, कैसे गेहूं, मैं से मटर, और दूसरा मैं से मसूर में डूबा, डूबा यहाँ पर साइलेंट है। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा, आपको आ से आलू, रे से राई, आरजू जैसे जो, आरजू के साइलेंट है, के सच्चे से सरसों, रे से सच्चे जैसे चना, गम में डूबा, कैसे गेहूं, मैं से मटर, दूसरे मैं से मसूर। बिल्कुल आसानी से ये याद करने की ट्रिक थी दोस्तों। ऐसे ही आपको यदि खरीफ की फसल को याद करना है, तो खरीफ की फसल जब उगाई बोई जाती है, बुआई के समय अधिक तापमान और आर्द्र मौसम होना चाहिए, नमी होनी चाहिए और गर्म मौसम होना चाहिए, इसको ये वातावरण चाहिए खरीफ की फसल को, और पकते समय शुष्क मौसम और गर्म मौसम। तो आप देखें दोस्तों, ये जून जुलाई में इसको उगाया जाता है, पकते समय शुष्क मौसम चाहिए दोस्तों। तो उत्तर भारत में इसको जून जुलाई में उगाया जाता है और काटा जाता है अक्टूबर में, जून जुलाई में उगाया जाता है और काटा जाता है अक्टूबर में। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। खरीफ से आप खरीफ को याद कर सकते हैं, खरीफ की अम्मा, कैसे कपास की अम्मा, ऐसे अरहर, मैं से मक्का, खरीफ की अम्मा, मैं से मक्का, दूसरा मैं से मूंगफली, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, कैसे गन्ना, जैसे धान, गधा बजाती है, वैसे बाजरा, जैसे जवार, तैसे तिलहन, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। दोबारा करते हैं दोस्तों, कैसे कपास, ऐसे अरहर की अम्मा, ऐसे अरहर, खरीफ की अम्मा, मैं से मक्का, दूसरा मैं से मूंगफली, क्योंकि एक मैं आधा आता है अम्मा में, उससे आप मक्का ले सकते हैं, कै में भी आधा कै होता है, मक्का में कै आधा होता है, दूसरा मैं से मूंगफली, खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, जैसे गन्ना, जैसे धान गधा बजाती है, वैसे बाजरा, जैसे जवार, तैसे तिलहन। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपको जायद की फसल को याद करना है, तो इसकी एक मैंने छोटी सी लाइन बनाई थी याद करने की, हो सकता है आपको अच्छी लगे। तो जायद की जो फसल होती है दोस्तों, मार्च अप्रैल के महीने में उसको उगाया जाता है। तो आप लगा सकते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में कौन कौन सी फसल को उगाया जाता है। तो इनको याद करने की ट्रिक ये है कि जा याद करके आ, जा याद, जायद को जा याद, जा याद करके आ करेले। हम दोस्तों वैसे मजाक में दोस्त का मजाक उड़ाते हैं, तो उसको करेला कहा जाता है, तो उसको लिया गया है कि जा याद करके आ करेले, तर ककड़ी ही नहीं, खीरा भी ककड़ी जैसा होता है। जा याद करके आ करेले, तर ककड़ी ही नहीं, खीरा भी ककड़ी जैसा होता है।
तो या देखना दोस्तों, जा याद, इससे तो आप जायद फसल को याद कर सकते हैं कि जा याद करके आ करेले, तो करेले भी है, जायद फसल के अंदर करेला होता है, करके आ करेले, तर ककड़ी ही नहीं, जो तर ककड़ी है दोस्तों उसमें तर से आप तरबूज भी लगा सकते हैं, कि तरबूज भी जायद फसल है और तर ककड़ी भी जायद फसल का हिस्सा है। जा याद करके आप करेले, तर ककड़ी ही नहीं, खीरा भी ककड़ी जैसा है, तो खीरा भी आ गया दोस्तों, खीरा भी जायद फसल का हिस्सा है, और ककड़ी तो है ही, मैं पहले भी बता दिया था आपको, और ककड़ी भी जायद फसल का हिस्सा है। जा याद करके आ करेले, जा याद करके आ करेले, तर ककड़ी ही नहीं, खीरा भी ककड़ी जैसा है। ठीक है, अब आ गए दोस्तों हम नकदी फसल में। वैसे नकदी फसल जो व्यापार में यूज होती है काफ़ी है, लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से एक तीन चार ही याद करेंगे। आपको याद करना है आग का तंबू, यस, आपको याद करना है आग का तंबू। तो जो आ है दोस्तों, आलू, जैसे गन्ना, का तंबू कैसे कपास, और तंबू आग का तंबू, तंबू से तंबाकू, तंबाकू में दोस्तों देश का काफ़ी नाम है हमारे देश का नकदी फसल में। वैसे दोस्तों इसमें आग का तंबू आपको याद हो गया, तो वैसे अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेब, संतरा, अनानास आदि ये फल फ्रूट है, ये भी नकदी फसल का ही हिस्सा है। अच्छा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो वाकई ही ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।